नमस्कार, मैं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। चलो जानते हैं बिहार की अब तक की बड़ी खबरों को। मुफ्त में कोरोना वैक्सीन देने के लिए स्वास्थ्य विभाग हुआ तैयार। बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार की तरफ से आम नागरिकों को फ्री में वैक्सीन देने का ऐलान किया था, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग तैयार है, जिसके बाद जल्द ही टीकाकरण का काम बिहार में शुरू हो जाएगा। बिहार में टीकाकरण के लिए जिला स्तर पर टीम का गठन करने का काम किया जा चुका है, अब प्रखंड स्तर पर टीमों का गठन किया जा रहा है। इसको लेकर विभाग के मंत्री मंगल पांडे ने समीक्षा बैठक की। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव एवं विभाग के अन्य पदाधिकारियों के समीक्षा बैठक में भी शामिल हुए थे। उन्होंने कहा कि कोरोना के मुफ्त टीकाकरण के लिए तैयारी की जा रही है। बिहार में आंशिक बूंदाबांदी के बाद तापमान गिरा और बढ़ी ठंड। बिहार में पिछले 24 घंटे में मौसम में तेजी से बदलाव हुआ है, जिसके बाद पटना सहित राज्य के दक्षिण पश्चिमी भाग में आंशिक बूंदाबांदी की वजह से दिन के तापमान में काफी कमी आई है। अगले 2 से 3 दिनों में न्यूनतम तापमान में भी गिरावट आने के आसार है। मौसमविदों का कहना है कि गुरुवार को भी मौसम के इसी तरह बने रहने के आसार है। पिछले 24 घंटे में पटना का अधिकतम तापमान 3 डिग्री तक नीचे आ गया। बीते दिन राजधानी सहित कई जिलों में 1-2 मिनट के लिए बूंदाबांदी हुई, जिसके बाद ठंड का तम देखने को मिला। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मध्य प्रदेश के मध्य भाग में चक्रवाती परिसंचरण कमजोर पड़ गया है, फिर भी इसके प्रभाव से अगले 24 घंटे में बिहार के कई भाग में बादल छाए रहेंगे। हाईकोर्ट ने सिविल सेवा के परीक्षार्थियों को उम्र सीमा में छूट देने की कही बात। बीपीएससी को सिविल सेवा की संयुक्त परीक्षा में छात्रों को अवसर और उम्र सीमा में लाभ देने को लेकर पटना हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। पटना हाईकोर्ट ने बीपीएससी को जिस तरह से अभियोजन पदाधिकारियों की बहाली में उम्र सीमा में छूट देकर परीक्षा ली गई है, उसी तर्ज पर सिविल सेवा की परीक्षा में छूट दिए जाने पर विचार करने का निर्देश जारी किया है। हालांकि ध्यान रहे, कोर्ट ने आवेदकों को कोई राहत नहीं दी है। कोर्ट ने आवेदकों को उम्र सीमा में छूट देने के बारे में विस्तृत अभ्यावेदन बीपीएससी के अध्यक्ष को देने का आदेश दिया है। स्पाइसजेट ने की दरभंगा एयरपोर्ट से 3 नए शहरों के लिए बुकिंग शुरू। दरभंगा एयरपोर्ट से 3 नए शहरों के लिए विमान सेवा की शुरुआत जल्द ही होने वाली है। बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और जदयू नेता संजय झा ने इस बारे में ट्वीट कर बताया है कि एयरलाइंस कंपनी स्पाइसजेट के विमान अगले महीने से दरभंगा एयरपोर्ट से अहमदाबाद, पुणे और हैदराबाद के लिए उड़ान भरेंगे। इन सेवाओं को शुरू करने के लिए जदयू नेता ने नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी से मुलाकात की थी। आपको बता दें, तीनों उड़ान सेवाएं जनवरी महीने से शुरू हो रही है। दरभंगा से अहमदाबाद के लिए 11 जनवरी 2021 से शुरू हो रही सेवा रोज उपलब्ध रहेगी। वहीं दरभंगा से पुणे और हैदराबाद की सेवा 18 जनवरी से शुरू हो रही है। सात निश्चय के कार्यालय में जहानाबाद रहा अव्वल। सात निश्चय की योजनाओं के कार्यान्वयन की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें जहानाबाद को पहला स्थान मिला है। अररिया जिला निचले पायदान पर है। सरकार की तरफ से बीते दिन जारी की गई इस रिपोर्ट में सभी जिलों की सूची तैयार की गई है। मिली जानकारी के अनुसार योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए 100 अंक निर्धारित किए गए थे। टॉप 10 जिलों को अधिकतम 90.81 से न्यूनतम 89.58 अंक मिले हैं। जहानाबाद के अलावा नालंदा, शिवहर, कैमूर, सिवान, रोहतास, वैशाली, शेखपुरा, नवादा और पूर्वी चंपारण, बक्सर, भोजपुर, समस्तीपुर, जमुई, लखीसराय और औरंगाबाद आदि जिलों में भी योजना पूरी तरह कामयाब बताई गई है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर शौचालय के निर्माण में भी कामयाबी मिली है। साल में 4 बार अब से 13 भाषाओं में होगी जेईई मेंस की परीक्षा। कोरोना के माहौल में घरों से पढ़ाई करने वाले छात्रों को सरकार ने राहत दी है। इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए अब संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य यानी कि जेईई मेंस का आयोजन साल में 4 बार किया जाएगा। इससे छात्रों को अपने मार्क्स को सुधारने का मौका मिलेगा, क्योंकि जिस परीक्षा में ज्यादा अंक होंगे उसे ही स्वीकारा जाएगा। इसकी शुरुआत अगले साल से यानी कि साल 2021 से होने वाली है। पहली परीक्षा 23 से 26 फरवरी के बीच में आयोजित होगी, जबकि दूसरी परीक्षा मार्च, अप्रैल और मई में कराई जाएगी। चारों बार परीक्षा खत्म होने के 5 दिन के अंदर परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने इस बात की जानकारी दी है। साथ ही उन्होंने मेरिट लिस्ट तैयार करते समय सर्वश्रेष्ठ प्राप्त अंक को शामिल किए जाने की बात भी कही है। केंद्रीय मंत्री तक किसान के दर्द के पहुंचने के बाद 10 गुने दाम में बिके गोभी। फूलगोभी की फसल ट्रैक्टर चलाकर नष्ट करने वाले किसान की दुर्दशा जब केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद के पास पहुंची तो उन्होंने खबर का संज्ञान दिया। उनकी पहल पर ही दिल्ली के खरीदार ने अधिक मूल्य पर फसल खरीदने के साथ ही 40,000 किसान के खाते में ऑनलाइन भेज दिए हैं, जिसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने खुद ट्वीट करके दी है। आपको बता दें, कल्याणपुर प्रखंड के मुक्तापुर गांव के किसान ओम
प्रकाश यादव ने एक बीघे में फूलगोभी की फसल लगाई थी। पैदावार बहुत बढ़िया हुई, लेकिन बाजार भाव नहीं मिल रहा था। खरीदार महज 1 रुपए प्रति किलो दाम दे रहे थे। इस दाम पर फूलगोभी काटने की लागत भी नहीं निकलती। ऐसे में ओम प्रकाश ने 1/4 हिस्से में फूलगोभी की फसल पर ट्रैक्टर से जुताई कर दी। इस खबर के मीडिया में आते ही रविशंकर प्रसाद ने संज्ञान लिया। उनके निर्देश पर कॉमन सर्विस सेंटर ने किसान प्रकाश यादव से संपर्क किया। CSC के डिजिटल प्लेटफॉर्म किसान मार्ट पर इस किसान को दिल्ली के एक खरीदार ने 10 रुपए प्रति किलो मूल्य का ऑफर दिया। किसान ने 4,000 किलो गोभी दिल्ली के खरीदार को बेचा। पाटलिपुत्र अशोक बनेगा पहला 5-स्टार होटल। राजधानी के आयकर गोलंबर के पास स्थित होटल पाटलिपुत्र अशोक को 5-स्टार होटल में तब्दील किया जा रहा है, जिसके बाद यह राजधानी पटना का पहला 5-स्टार होटल होगा। पर्यटन मंत्री जिवेश मिश्रा ने इस बात की जानकारी दी और मीडिया हाउस से बातचीत के दौरान बताया है कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर नए होटल का निर्माण और संचालन किया जाएगा। इसकी निविदा के लिए ड्राफ्ट तैयार कर लिया गया है। होटल चेन से जुड़ी देश की बड़ी कंपनियों को इसके लिए आमंत्रित किया जाएगा। इस बाबत मंत्री जिवेश मिश्रा ने बीते दिन पर्यटन विभाग और निगम के अधिकारियों के साथ मैराथन मीटिंग भी की है। इससे पर्यटन विकास से जुड़ी कई योजनाओं पर चर्चा हुई। मंत्री ने बताया कि होटल पाटलिपुत्र अशोक के बाद दूसरे चरण में गांधी मैदान स्थित बांकीपुर बस स्टैंड की जमीन पर भी मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स और होटल बनाने की योजना बनाई जा रही है। उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने बजट और रोड मैप को लेकर किया नगर विकास विभाग की समीक्षा। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद नई सरकार के गठन के बाद एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। इसी क्रम में नगर विकास विभाग में फिलहाल समीक्षा बैठकों का दौर जारी है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद नगर विकास विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। बैठक में अब तक पूर्णिया और कोसी प्रमंडल की समीक्षा हो चुकी है। वहीं आज तिरहुत प्रमंडल की समीक्षा के बाद अन्य 6 मंडलों की समीक्षा होगी। हालांकि बिहार के कुछ नगर निकाय बेहतर काम कर रहे हैं, जिनमें प्रमुख तौर पर साफ सफाई, स्ट्रीट लाइट और शहरों को जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए फ्लाईओवर की प्लानिंग भी हो रही है। तेजस्वी ने सरकार को दिया 1 महीने का अल्टीमेटम। राजग की नई सरकार के साथ ही 1 महीना पूरा हो चुका है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर से बयानबाजी करते नजर आए हैं, जिसके तहत उन्होंने ट्वीट करते हुए सरकार को कानून व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर अल्टीमेटम दिया है। पहले ट्वीट करते हुए उन्होंने अपना बयान जारी कर कहा कि पढ़ाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई, कार्रवाई, रोजी रोटी और नौकरी जैसे जन सरोकार वाले मुद्दे पर हम सरकार को 1 महीने की और मोहलत देते हैं। इस दौरान वो प्रदेश की बेरोजगारी को खत्म करने, छात्रों, नौजवानों, संविदाकर्मी एवं किसानों की मांग को पूरा करने का काम करें, प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार और अप्रिय वाक्यों पर नियंत्रण करें। उन्होंने आगे कहा कि मुख्यमंत्री विपक्ष के वाजिब सवालों का भी उत्तर नहीं दे पा रही है, क्योंकि उनके पास जवाब नहीं होता है। सरकार में 2 मुख्यमंत्री, सबसे अधिक मंत्री वाली भाजपा के सांसद, विधायक और मंत्री ही प्रतिदिन अपनी सरकार की कार्यशैली, मुख्यमंत्री और सहयोगी दल पर सवाल उठाते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने टोलों और बसावटों के संपर्क पथ को जल्द पूरा करने का दिया निर्देश। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रदेश में टोलों और बसावटों के संपर्क पथ के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही उन्होंने सड़कों के रखरखाव की जिम्मेदारी विभाग को भी पूरा करने को कहा है। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 1 अन्य मार्ग स्थित संकल्प में ग्रामीण कार्य विभाग की समीक्षा के दौरान उक्त बातें कही हैं। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने अतिरिक्त पथ निर्माण के लिए कार्य योजना बनाकर काम करने का निर्देश भी जारी किया है। इस बाबत उन्होंने कहा कि आम लोगों को आवागमन की सहज सुविधा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार लगातार काम कर रही है। इसके साथ ही टोला संपर्क निश्चय योजना के जरिए सभी टोलों एवं बसावटों को सड़कों से जोड़ा जा रहा है। करवाकर भाजपा की तरफ से देश में कोरोना फैलाने की कही बात। राजद ने देश में कोरोना फैलाने के कारण को बताया है, जिसके तहत राजद ने यह ठीकरा भाजपा के सिर पर फोड़ा है। जिसके तहत राजद के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने दावा किया है कि भाजपा ने गुजरात में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम कराकर देश में कोरोना फैलाया है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि देश में कोरोना फैलाकर अब भाजपा के नेता कोरोना वैक्सीन पर राजनीति कर रहे हैं। कोरोना वैक्सीन अब तक नहीं आया है, उसका पैसा फिक्स नहीं हुआ है, लेकिन भाजपा अभी से ही उसे फ्री में देने की बात कर रही है। कोरोना वैक्सीन और 20 लाख युवाओं को रोजगार देने के नाम पर भाजपा जुमलेबाजी कर रही है। विराट कोहली ने अपने इंटरनेशनल पारी का किया खुलासा। टीम इंडिया के कप्तान विराट कोहली ने हाल ही में अपने इंटरनेशनल क्रिकेट के बेहतरीन पारी का खुलासा किया है, जिसके तहत विराट कोहली ने स्टीव स्मिथ के साथ बातचीत करते हुए अपनी इस पारी का जिक्र किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ मेरी 183 रनों की पारी स्पेशल थी। हमने पाकिस्तानी गेंदबाजों के खिलाफ चेज किया था, मुझे लगा कि रुकना चाहिए, यह उस
तरफ जा रहा है जिस तरफ इसे ले जाना चाहता था, लेकिन स्मिथ को यह शायद पसंद ना आए क्योंकि मैं पॉइंट आउट करना चाहता हूं मेरी सबसे बेहतरीन पारी जो मैंने मोहाली में T20 में खेली थी। अंकिता लोखंडे ने शेयर की अपनी नो मेकअप तस्वीर। अंकिता लोखंडे सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा एक्टिव रहती है, वो आए दिन अपनी फोटोज भी लगातार फैंस के साथ शेयर करती रहती है। वही हाल ही में अंकिता की तरफ से शेयर किए गए तस्वीर को उनके फैंस भी काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इस तस्वीर की खास बात यह है कि यह बिना मेकअप और हेयर स्टाइल के ली गई है। वहीं अंकिता की तरफ से साझा की गई तस्वीर में अंकिता शॉर्ट प्रिंट ड्रेस में नजर आ रही हैं, जिसमें वो बेहद ही खूबसूरत लग रही हैं। उन्होंने इन तस्वीरों को इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा है, मैं ओरिजिनल हूं और यह अपने आप में परफेक्शन है, नो मेकअप और नो हेयर स्टाइल। अंकिता की इन तस्वीरों को जमकर लाइक्स और शेयर किया जा रहा है। फैंस कमेंट बॉक्स में अंकिता की खूब तारीफ कर रहे हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार मौजूदा कोरोना के हालात को देखते हुए स्कूलों को कब तक खोला जाना चाहिए? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।